हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं साइंस दिस वीक प्रोग्राम पर, जिसमें पूरे सप्ताह या उससे पहले की भी अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर हमसे छूट जाती है तो हम उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने सभी प्रश्नों को शामिल किया है और उसके एक्सप्लेनेशन में उस खंड से जुड़ी जो जरूरी जानकारी हो सकती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम विज्ञान एवं तकनीक के साथ साथ पर्यावरण और उसके अंतर्गत आने वाले वन्य जीव और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दे और उससे बनने वाले सवालों को भी कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले सप्ताह आपसे जो एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उससे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाँ तो प्रश्न पूछा गया है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 8 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 1 सितंबर। तो इसका सही जवाब क्या है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस आयोजित किया जाता है और इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2012 को की गई थी। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे इसको शुरू कराने में? इसमें थाईलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन शामिल था जिसका नाम है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, और एक और नाम आता है कैनेडियाई फिल्म मेकर पैट्रिका सिम्स का। तो ये दो नाम महत्वपूर्ण है जिन्होंने जिनके प्रयासों से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। मकसद क्या है कि हाथियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके संरक्षण, उनके मानव के साथ संबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक, अब अगर हम हाथियों की IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत स्थिति को देखें तो इसमें तीन तरह के जीव हमें दिखाई देंगे। पहला अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, दूसरे एशियन एलिफेंट और तीसरे अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। तो इसमें जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है यानी अफ्रीकी जंगलों में पाए जाने वाले हाथी, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और इनकी जो संख्या है उसमें गिरावट आ रही है, कारण शिकार। एशियाई हाथियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं, और जो अफ्रीकी सवाना हाथी हैं उनकी संख्या में भी गिरावट ही आ रही है, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। अगर तीनों का नाम देकर के पूछ दिया जाए कि कौन से हाथियों की जो प्रजाति है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और बाकी के जो दो हैं एशियाई हाथी या फिर अफ्रीकी सवाना हाथी, ये दोनों ही अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 12 अगस्त। आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कॉमेंट सेक्शन में। चलिए आज के सेशन के लिए आगे बढ़े और पहला सवाल, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो तियांगोंग नामक एक जो नया स्पेस स्टेशन है उसको भेजने का प्रयास कर रहा है कौन सा देश? जी हाँ, चीन इसे भेजने का प्रयास कर रहा है और चीन का ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो खबर आई है इससे जुड़ी, वॉच चाइना तियांगोंग स्पेस स्टेशन सोलर एरे इन मोशन। तो एक वीडियो आया था जिसमें जो सोलर एरे है उसको वहां पर भेजा जा रहा था, इसलिए ये खबरों में आ गया। क्या है तियांगोंग स्पेस स्टेशन? एक तरह का इसको चीन कहता है हेवेनली पैलेस, एक शब्द है इससे जुड़ा हेवेनली पैलेस, किससे जुड़ा? तियांगोंग स्पेस स्टेशन से जुड़ा। ठीक, तो चीन का एक तरीके से प्रयास है एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने का, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस वक्त पृथ्वी की कक्षा में जो मौजूद है वहां पर चीन को एक्सेस नहीं दिया गया, तो अमेरिका की तरफ से चीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब चीन का प्रयास है कि खुद से ही एक स्पेस स्टेशन को डेवलप किया जाए जिस पर पूरी तरह से अधिकार भी चीन का ही हो। ठीक, यही किया गया। तो इसको शुरुआत में इसके दो टेम्परेरी ट्रायल स्पेस स्टेशन भेजे गए जिनको तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 के नाम से पुकारा गया। इसके अलावा इसके अगर हम कुछ प्रमुख मॉड्यूल्स की बात करें तो इसमें एक लैब है जिसका नाम है वेंटियन। ठीक, तो इसके तीन कंपोनेंट्स में से एक है, बाकी के दो और हैं उनको भी देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है तियानहे। तियानहे क्या है? जिसमें एक तरीके से लिविंग क्वार्टर बनाए जाएंगे, जो क्रू मेंबर्स वहां पर जाएंगे अंतरिक्ष यात्री, तो वो कहाँ रहेंगे तो उनके रहने के लिए। और तीसरा है एक नाम मैंगटियन साइंस लैब। ठीक, इसको इस साल के अंत तक 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने का प्लान किया गया है। इसका यहाँ पर एक चीज देखें तो इस तरह से ये एक स्पेस स्टेशन चीन डेवलप करना चाह रहा है और इसके जो पार्ट है उसमें एक नाम आएगा शेंझोऊ, जो कि क्रू कैप्सूल है और एक तरीके की लाइफ बोट है जहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को लाया और ले जाया जा सकेगा। ठीक, दूसरे क्या है? मैंगटियन। ठीक, ये मैंगटियन और वेंटियन इसकी साइंस लैब है ये दोनों। ठीक, उसके बाद तियानहे जो कि एक तरह का कोर मॉड्यूल है जहां पर
मेन लिविंग एरिया है। और अगला क्या है, टियानझोउ, जो कि रोबोटिक कार्गो शिप है, ठीक, तो इसका मॉडल है। अब अगर हम चीन के स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़े जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर एक नज़र डालें, तो हमें समझ में आएगा कि चीन आने वाले वर्षों में क्या करना चाह रहा है, उसके हिसाब से भारत अपने प्लान करेगा। तो 2022 में ही चीन का विचार है कि इसके निर्माण को पूरा कर लिया जाए, तियांगोंग स्पेस स्टेशन के। 2025 तक जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं, पृथ्वी के आसपास मौजूद जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनके जो तत्व हैं वो अपने पास ले आए और उसके बाद उस पर रिसर्च कर सके। 2030 तक मंगल ग्रह से जो वहाँ पर सैंपल हैं सतह के, उनको पृथ्वी पर वापस लाने का मिशन। 2030 तक ही एक मिशन उसको जुपिटर यानी बृहस्पति पर भेजना है। 2030 तक ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजना है। 2035 तक उसको रीयूजबल कैरियर रॉकेट्स बनाने हैं, जिन रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। 2040 तक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस शटल का निर्माण करना है और 2045 तक एक लीडिंग स्पेस पावर बनना है। हालांकि ये चीन की तरफ से कहीं आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उनका उनकी तरफ से करेक्ट से ये जानकारी मिलती है, ठीक। तो भारत के मिशन इसके हिसाब से आप देख लीजिए कहाँ पर अभी मौजूद है। लेकिन जो तियांगोंग शब्द है उसका संबंध किससे है, सवाल के मुताबिक ऑप्शन डी यानी चीन से। चलिए अगला सवाल, वायरलेस चार्जिंग तकनीक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो कई बार खबरों में जो तकनीक रहती हैं और बहुत ही सामान्य तकनीक जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो पूछ लिया जाता है, वोल्टी पूछा इसी तरह से। इस सवाल में आपसे ऑप्शन दिए गए हैं चुंबकीय अनुनाद, वॉइस ओवर LTE, दृश्य प्रकाश विवरण, या फिर जैव ऊर्जा हस्तांतरण। तो आसान सा इसका जवाब हो सकता है अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे तो, ऑप्शन ए यानी चुंबकीय अनुनाद पर यह तकनीक काम करती है, ठीक। तो खबर क्या आई है, अ लुक एट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी फ्लेजिंग स्टार्ट एंड चैलेंजेस इट फेसेस। तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो एप्पल कंपनी की तरफ से शुरुआती इसके जो मॉडल बनाए गए थे और ऐसी रिसर्च के बाद ऐसा वायरलेस चार्जर लाया गया था। इसकी जो मैगसेफ डिवाइस थी 2006 में इसको ये लेकर के आए थे। तकनीक की बात करें तो वायरलेस चार्जिंग क्या है, एक ऐसी तकनीक जहां पर बिना किसी तार की मदद से, बिना किसी तार को लगाए आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका सेलफोन हो सकता है, ईयरबड हो सकते हैं, ठीक, या फिर कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, तो इनको चार्ज कर लिया जाए। तो जब चार्ज करना है तार नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक तकनीक काम करेगी। इस तकनीक को ही कहते हैं, ये तकनीक एक तरीके जो सिद्धांत है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर काम करती है। इसके अलावा अगर इसको आप कहना चाहें तो एक शब्द और है, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, ठीक। तो इस तकनीक पर काम करती है जहां पर इस तरह से एक चार्जर होगा और फोन उससे कुछ दूरी पर होगा या उसके ऊपर रखा होगा, बेसिकली यहाँ पर तार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दो शब्द आए, इंडक्टिव चार्जिंग और दूसरा मैग्नेटिक रेजोनेंस चार्जिंग, दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है। जो इंडक्टिव चार्जिंग है वहां पर आपको निश्चित रूप से चार्जर के ऊपर ही फोन को रखना होता है, ठीक, तब ये फिर पूरा प्रोसेस काम करता है। और दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस चार्जिंग यानी चुंबकीय अनुनाद चार्जिंग, हालांकि सिद्धांत यही है, प्रक्रिया दोनों इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का डेवलपमेंट होता जा रहा है ये और बेहतर होती जा रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कई सारे आपने देखा होगा कि अब ऐसे चार्जर आ गए हैं जहां पर एक ही चार्जर में आप कई सारे डिवाइसेस अपने एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो वही जो सिद्धांत है इस तरह से कार्य कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या निकला, ऑप्शन ए चुंबकीय अनुनाद या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मछली एंटी फ्रीज प्रोटीन का निर्माण करती है? ऑप्शन पिराना फिश, वेरीगेटेड स्नेल फिश, फ्लाउंडर फिश, या फिर हेरिंग फिश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वेरीगेटेड स्नेल फिश। इससे जुड़ी क्या खबर आई थी इसको देखें, तो बीनीथ ग्रीनलैंड आइसबर्ग साइंटिस्ट फाइंड अ ग्लोइंग स्नेल फिश विद एंटी फ्रीज कोर्सिंग थ्रू इट्स वेन्स। तो एक मछली की प्रजाति वैज्ञानिकों ने देखी कहाँ पर, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में। हालांकि ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में, या फिर अगर हम कहें आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्र में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर जो मछलियां मौजूद हैं, कई सारी मछलियां इस स्तर पर काम करती हैं कि वो एक प्रोटीन बनाती हैं जिसे एंटी फ्रीज प्रोटीन कहते हैं। तो उसी तरह की एक मछली की एक तरीके से उन्होंने प्रजाति खोजी है जिसका नाम स्नेल फिश हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे काम करती है मछली,
तो ये जो मछली है अंटार्कटिक फिश, ये एक तरीके का प्रोटीन बना रही है, हमने चर्चा कर ली, जिसे एंटी फ्रीज कहा गया है। ठीक, तो ये जो एंटी फ्रीज प्रोटीन है ये एक ग्रुप के अंतर्गत आता है जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक तरह का बहुत यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो कि मछली की स्किन के अंतर्गत बर्फ के जमने को रोकती है। ठीक, ये प्रोटीन ऐसे काम करती है। इस प्रोटीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर आर्ट डी व्राइस ने, और 1960 के दशक में उन्होंने इसे खोजा था। अब ये मछली खोजी गई है जो इस तरह का प्रोटीन बना रही है। सामान्यतः जो पानी है, पानी के जमने की अगर हम बात करें तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदलने लगता है, लेकिन जो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी को बर्फ में बदलने के लिए, क्योंकि लवणीय पानी है, नमक वहां पर घुला हुआ है, तो उसको जल से बर्फ बनने में लगभग -1.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। तो ये जो मछली है ये अपने आप को जमने से बचाने के लिए -2.5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकती है, इसलिए बच जाती है जमने से और अपने शरीर की जो बाकी के अंग हैं उनको बचाए रखती है। ठीक, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, यानी जिस मछली की बात की गई है जो ये प्रोटीन बना रही है, वेरिगेटेड स्नेल फिश। चलिए अगला सवाल, वेस्ट नील वायरस के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन में फॉर्मेट किया गया सवाल है, थोड़ा लीक से हटकर के, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पीसीएस परीक्षा। पहला स्टेटमेंट, WNV एक जूनोटिक वायरस है, यानी वेस्ट नील वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। दूसरा क्या कहा गया है? यह फ्लेबी वायरस जीनस का एक सदस्य है और फ्लेबी विरिडी परिवार के जापानी इंसेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तीसरा स्टेटमेंट, इसकी रोकथाम के लिए पूरी तरह से सफल टीके का विकास कर लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट तीन है इसमें से जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों सही है। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि पूरी तरह से सफल टीके का विकास कर लिया गया है, ये गलत है, क्योंकि अभी तक इसके लिए टीके का विकास नहीं किया जा सका है जिसके जरिए इसकी रोकथाम ठीक तरह से की जा सके। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक और दो कथन ही यहाँ पर सही निकल करके आए। देखिए आगे खबर आई है, डिड क्लाइमेट चेंज ट्रिगर US वर्स्ट वेस्ट नील वायरस आउटब्रेक? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की स्थितियां जिम्मेदार है। ठीक, इस वजह से ये खबर चर्चा में है। अब बात करें वेस्ट नील वायरस की, तो एक तरह का जूनोटिक वायरस है जैसा स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ठीक, इसका मतलब कि इसे जानवरों से इंसानों में ये फैल सकता है। ठीक, ये मेंबर है किसका? फ्लेवी वायरस जीनस का, जो कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है और ये फैमिली फ्लेवी वेराइडी से संबंधित है। बात सही हो? ठीक, अब ये जो वायरस है ये पक्षियों और मच्छरों के बीच में ही सर्कुलेट होता रहता है, एक दूसरे पर फैलता रहता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अलग अलग पक्षियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्यों में जो सबसे ज्यादा ये फैलता है मच्छरों की वजह से ये सबसे ज्यादा देखा गया है, खासकर ऐसे मौसम में जब मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं, बरसात वाले सीजन में। ठीक, अब यहाँ पर ही बुलाई लिखी हुई है, देयर आर नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और मेडिकेशन टू ट्रीट इट, यहाँ पर इससे संबंधित जो दवा है या वैक्सीन है उसका विकास अभी नहीं किया जा सका है। इसके लक्षणों की बात करें तो तंत्रिका संबंधी बीमारी या फिर जो परेशानियां हैं वो यहाँ इससे फैलती हैं, इसके अलावा बुखार, ठीक, गले की जो मांसपेशियां हैं उनमें दिक्कत, पतली या फिर उल्टी आना, जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना, ज्वाइंट पेन, ये लक्षण है इसके जरिए किसी व्यक्ति को पता चल सकता है कि उसको क्या बीमारी है। इससे बचाव के लिए यही है कि जो सरफेस है उनको साफ सुथरा रखें और मच्छरों को पनपने से रोकें। ठीक, सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ए, यानी केवल एक और दो ही विकल्प सही है। अगला सवाल, तस्मानियन टाइगर को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। जो तस्मानियन टाइगर नाम आप सुन रहे हैं ये विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, और अभी नहीं, काफी पहले 1930 के आसपास इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है? पहले हम इसको IUCN की रेड लिस्ट वाला जो पेज है उसमें देख ले। इसी को कहते हैं थाइलासीन। ठीक,
थाइलासीन क्या है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से भी आगे, मतलब कि अब जंगलों में भी नहीं पाया जाता और कहीं संरक्षित भी नहीं है, पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब वैज्ञानिक प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं इसको पुनर्जीवित करने की। ठीक, क्यों पुनर्जीवित करना चाहते हैं? क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पाया जाता था, तस्मानिया के क्षेत्र में, अब उस क्षेत्र की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको फिर से ये पहले की तरह व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जीव की मृत्यु हो जाने के बाद, एक तरीके से अगर ये प्राकृतिक रूप से विलुप्त हुआ होता तब की बात कुछ और होती, लेकिन इंसानों द्वारा बहुत ज्यादा इसका शिकार किए जाने की वजह से ये विलुप्त हो गया। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसको हम फिर से वापस लाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे, इसकी जो प्रिजर्व्ड कोशिकाएं रही होंगी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जो आपको याद होगा, मैमथ के ऊपर चल रहा है, जो पहले के समय आइस एज के टाइम पर एक बड़ा सा हाथी पाया जाता था जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते थे। तो अब मैमथ के साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी एक तरीके से वैज्ञानिक शुरू करना चाह रहे हैं। तो इसमें वैज्ञानिक अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के जुड़े हुए हैं। $15 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इसको वापस से लाने की बात की जा रही है। और ये लगभग 1930 के आसपास विलुप्त हो गया था, हमने बात की ही। ठीक, तो अब इसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वापस लाया जाएगा। तस्मानिया, चूंकि इसमें एक शब्द जुड़ता है, तस्मानियन टाइगर्स को बोल रहे हैं या तस्मानियन वुल्फ भी बोलते हैं, तो तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर दिया हुआ है तस्मानिया। ठीक, अब इसमें एक शब्द आएगा डी एक्सटिंक्शन, यानी जब वो विलुप्त हो गया तो उसको वापस लाना, या फिर रिसरेक्शन यानी कि पुनर्जीवित करना। कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें? क्लोनिंग, जीनोम एडिटिंग या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो इससे जुड़ी पुराने जीवों की कोशिकाएं या फिर पुराने जीव संरक्षित हैं उनकी कोशिकाओं को निकाल करके फिर उसको इन तकनीकों का इस्तेमाल करके जीनोम एडिटिंग वगैरह का फिर इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, एक तरीके से इसकी कोशिकाओं से एक नए जीव का निर्माण किया जाएगा। तो पारिस्थितिक विविधता को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, और इसी से जुड़े हुए जो बाकी के जीव जंतु हैं उससे मिला करके देखा जाएगा जीन एडिटिंग तकनीक के अंतर्गत कितनी उनके बीच में अंतर आ गया है या फिर कितना अंतर मौजूद है, उसका सबसे नजदीकी जीव से। यहाँ पर एक शब्द और आया है मार्सुपियल, क्योंकि ये मार्सुपियल है। तो मार्सुपियल क्या होता है? लगभग 250 स्पीशीज मार्सुपियल के अंतर्गत आती हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो कि एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं और फिर वो बच्चा इनके ही शरीर के अंतर्गत आगे विकसित होता रहता है। ठीक, जो एक तरीके से नया बच्चा है, आपने जैसे कंगारू को देखा होगा, एक तरह की एक पॉकेट रहती है यहाँ, और बच्चा अंदर ही रहता है और माँ के शरीर से ही पोषण प्राप्त करता रहता है। इसी तरह बाकी के जो जीव हैं, जैसे वॉम्बैट है यहाँ पर, सुगर ग्लाइडर, कोआला, नमबैट, यहाँ तस्मानियन डेविल, क्वाल और वॉलेबी, ओपोसम, कुछ इस तरह के जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मार्सुपियल। ठीक, तो मार्सुपियल एक तरह का शब्द है जिसका मतलब हुआ फ्लैप ऑफ स्किन, जो कि माता के शरीर में मौजूद तनों को ढक करके रखता है और उससे वो जीव जो उसका बच्चा है वो पोषण प्राप्त करता रहता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी यानी एक्सटिंक्ट हो चुका है तस्मानियन टाइगर। चलिए अगला सवाल, धूमकेतु निम्नलिखित में से किसकी परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन उपग्रहों की, पृथ्वी की, सूर्य की या फिर ब्लैक होल की। धूमकेतु या फिर इसी को कहते हैं कॉमेट। ठीक, कॉमेट परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ठीक, चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऑट क्लाउड कॉमेट्स में स्पिन देमसेल्फ टू डेथ, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं। एक नाम आता है यहां पर ओट्स क्लाउड का। ठीक, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ओट्स क्लाउड से आने वाले जो कॉमेट या धूमकेतु हैं वो जैसे ही सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो वहां उनके अंतर्गत जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है और फिर वो नष्ट हो सकते हैं, ऐसी खबर जानकारी देती है। ये जो खबर है या फिर ये जो रिसर्च है किसके अंतर्गत की गई है? नासा के सोहो या फिर द स्वान प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक, इनका ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो कॉमेट क्या है? कॉमेट एक तरह के कॉस्मिक स्नोबॉल है, जैसे बर्फ के गोले हम लोग देखते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मांड के अंतर्गत मौजूद बर्फ के गोले। तो केवल बर्फ के नहीं होते, इसमें जमी हुई गैसें, चट्टान के टुकड़े, धूल और बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, एक स्थिति ये है। जब ये जमी हुई अवस्था में होगा तब इसका जो आकार है लगभग एक
छोटे शहर जितना होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही ये परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक आएगा, उसके बाद जो इसकी स्थिति है ये गर्म होने लगेगा, ठीक, और जो गैस है, गैस के बादल एक तरीके से बिखरने लगेंगे। तब इसका जो कोर है, ठीक, जो इसका मेन एरिया है, वो तो किसी ग्रह से भी बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक। तो बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है और एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, जहां पर इसके जो पीछे का हिस्सा है पूंछ के रूप में दिखता है, इसी को आप पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो कहाँ पर मौजूद है ये? सूर्य के आसपास जो क्विपर बेल्ट मौजूद है, ठीक, क्विपर बेल्ट में, और आगे बढ़ेंगे तो ऑर्ट क्लाउड के अंतर्गत मौजूद। इन दोनों ही शब्दों को देखें तो ये है हमारा सूर्य यहाँ पर, ये बाकी के ग्रह आपको दिख रहे हैं। फिर इन ग्रहों के जब आप चारों तरफ बाहर जाएंगे तो फिर आपको ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर दिख रहे हैं, ये है क्विपर बेल्ट। अब इस क्विपर बेल्ट को इस वाली इमेज में देखिए, अब ये क्विपर बेल्ट यहाँ आ गई और ये जो ऑर्ट क्लाउड है, फिर ये है पूरा ऑर्ट क्लाउड। तो क्विपर बेल्ट और बाकी के जो ग्रह हैं वो एक डिस्क की फॉर्म में है, ठीक, लेकिन ये जो क्लाउड है ये अपने आप में चारों ओर से राउंड शेप में है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, यहीं पर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, यहीं से कॉमेट्स या फिर जो धूमकेतु है वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते रहते। कई बार वो ऐसा होता है कि पाथ अब उनका जब बदलता है तो फिर सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं, ठीक। अगर इनकी दूरी की बात करें तो लगभग सूर्य से जो ग्रहों वाली स्थिति है वो 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंतर्गत आती है। कुइपर बेल्ट 10 से 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और फिर इनकी स्थिति जब आएगी तो फिर 10,000 से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फिर ये मौजूद है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर आप जानना चाहें तो पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है उसको कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर आप जोड़ लीजिए कि 10,000 से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूर है सूर्य से, ठीक। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, यानी धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय औरंगुटान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 12 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 25 सितंबर। तो 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय औरंगुटान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का मकसद आप समझ ही रहे होंगे कि औरंगुटान के बारे में लोगों को जागरूक करना। औरंगुटान जो कि धीरे धीरे इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, तो कैसे उनकी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके, ठीक। तो इस दिवस को मनाने का मकसद इसीलिए रखा गया है कि ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके। लगभग इस समय 6 लाख औरंगउटान पूरी पृथ्वी के अंतर्गत मौजूद हैं, और ये जीव जो है मनुष्य का बहुत करीबी माना जाता है। तो इसका डेवलपमेंट या फिर इसको बचाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके जरिए ही जो पर्यावरणीय विविधता है वो बनी हुई है। अगर हम इसकी प्रजातियों को देखें तो सुमात्रन औरंगउटान बोर्नियो का है एक औरंगउटान, और अगला है तापानुली औरंगउटान। तो जो सुमात्रन औरंगुटान है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बोर्नियो वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और तापानुली वाला भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तीनों ही जो मौजूद है प्रजातियां, तीनों की ही संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। इसलिए मांस के लिए इनका शिकार किया जाना ठीक है, इसके अलावा इनका जो आवास है, आवास नष्ट होना इनके विलुप्त होने पर या फिर संख्या में गिरावट आने का एक बड़ा कारण माना गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय औरंगुटान दिवस मनाया जाता है। चलिए, विश्व रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अगला सवाल, ऑप्शन भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो विश्व रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन है चीन में किया जा रहा है, ठीक, महत्वपूर्ण आयोजन है। और कब से कब तक? 18 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका आयोजन चल रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत चीन में बहुत सारे अलग अलग तरह के जो रोबोट्स हैं, चीन के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर आइंस्टीन का रोबोट, जिसको ह्यूमनॉइड कहते हैं, किसी भी इंसान की जैसा दिखने वाला रोबोट ह्यूमनॉइड कहलाता है। इसके अलावा एक पनडुब्बी है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ रोबोट हैं। यहाँ पर ऐसे जो उपकरण है जिसके जरिए किसी भी दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को सपोर्ट दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ खिलौने जैसे रोबोट मौजूद है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है, बीजिंग में आयोजन इसका किया जा रहा है। अगर कोई सवाल इससे जुड़ा पूछा जाए तो आपको पता हो। सही जवाब ऑप्शन सी, चीन में
2022 की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। चलिए अगला सवाल, गिद्ध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति IUCN की सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय या क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा नहीं है पूछा गया है। व्हाइट बैग्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर या फिर ग्रिफॉन वल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एक उत्तर सही होगा, यानी कोई एक प्रजाति ऐसी होगी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं होगी और बाकी प्रजातियां क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, जो ग्रिफॉन वल्चर है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल नहीं है। फिर किसमें है देखेंगे। खबर क्यों महत्वपूर्ण हुई है? क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में लगभग 150 गिद्धों को शिकारियों ने जहर देकर मार दिया, तो वैसे ही इनकी संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही थी, उसके बाद ऐसी स्थिति बनना और भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। लगभग 150 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर यहाँ पर गिद्ध जो है मारे गए हैं, और क्रूगर नेशनल पार्क में ऐसी घटना हुई है बोत्सवाना की। कई बार खबर भी महत्वपूर्ण हो जाती है, सवाल के रूप में पूछ दिया जाता है। तो बोत्सवाना के क्रूगर नेशनल पार्क में 150 गिद्धों को जहर देकर के एक तरीके से शिकारियों ने मार दिया है। ऐसी इसलिए जानकारी आई है क्योंकि जो कई सारे गिद्ध एक साथ मरे हैं, तो वो जिस जीव को खा के मरे हैं उसकी एक तरीके से जांच की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो जो गिद्ध मरे हैं वे कौन से थे? व्हाइट बैग्ड वल्चर, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। ठीक, इसी में एक नाम आया इंडियन वल्चर्स का, इंडियन वल्चर्स भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं ये? भारत और पाकिस्तान वाले कुछ क्षेत्र में। यहाँ जो पीले रंग से आपको दिख रहा है ये यहाँ मौजूद है, और जो लाल रंग से दिख रहा है इस क्षेत्र में लगभग ये विलुप्त हो चुके हैं। चलिए इसके अलावा हमने बात की थी रेड हेडेड वल्चर की, तो रेड हेडेड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो उन तीन के अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं था वो था ग्रिफॉन वल्चर जो सूची में दिया गया था। ये लीस्ट कंसर्न है और इसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक, यहाँ तुर्की वल्चर के बारे में भी देख लें, तुर्की वल्चर की संख्या स्टेबल है और ये लीस्ट कंसर्न में है। इसी तरह किंग वल्चर की संख्या हालांकि घट रही है लेकिन ये अभी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में ही है। इजिप्शियन वल्चर, इसकी संख्या गिर रही है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। व्हाइट रम्ड वल्चर, इसकी संख्या भी गिर रही है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अभी और भी कई सारी प्रजातियां हैं गिद्धों की जो इस तरह के खतरे का सामना कर रही है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां थी जिनके बारे में चर्चा की हमने। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि ग्रिफॉन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल नहीं है। चलिए तो अब देखें आज का अभ्यास प्रश्न जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है। प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित अंगों या जीवों पर ठंड के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन माइक्रोबायोलॉजी, मैमलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या फिर क्रायोबायोलॉजी। तो इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ना भी आए गूगल कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको इसका रिविजन जरूर होता रहेगा। ठीक, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ और खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।